हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपीशर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इतिहास कक्षा 12 के इतिहास अध्याय फर्स्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज के इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास कक्षा 12 अध्याय फर्स्ट। सबसे पहले जानते हैं इतिहास। देखिए, इतिहास किसी व्यक्ति समाज या देश से संबंधित तथ्यात्मक घटनाओं का काल क्रमानुसार विवेचन होता है, उसे हम इतिहास के नाम से जाना जाता है। अगर इसका संधि विचित करें तो इति धनहास, यानी निश्चित ही ऐसा हुआ है। अगर ऐसी घटनाएं जिनके साक्ष्य उपलब्ध हो तो उसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। इतिहास, भारतीय इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन की सुविधा अनुसार तीन भागों में बांट सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन भागों में भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी वह काल, वह समय जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है और जिसमें मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। उस समय मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, मनुष्य पूर्ण रूप से जंगल में भटकता था। उस समय का जो काल है उसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम हड़प्पा संस्कृति से पूर्व का जो भारतीय इतिहास है उसको हम प्रागैतिहासिक काल में रख सकते हैं। दूसरा जो काल है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी ये ऐसा समय है जिसमें भारतीय इतिहास में लिखित साधन उपलब्ध तो है लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सकते, वो अस्पष्ट है या ऐसी गूढ़ लिपि में लिखे हुए हैं जिनका अर्थ निकालना कठिन है। इस प्रकार का जो समय है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम हड़प्पा संस्कृति को रख सकते हैं क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य भी उपलब्ध है, लिखित स्रोत भी उपलब्ध है लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सकते। इस कारण हड़प्पा संस्कृति का जो काल है उसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा हमारा जो काल है उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल का नाम देते हैं जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और जिसको हम पढ़ लिख सकते हैं, यानी उस समय जब मनुष्य सभ्य बन गया था, मनुष्य को पढ़ना लिखना आ गया, उस काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। यानी इस प्रकार अध्ययन की सुविधा अनुसार हम इतिहास को तीन भागों में बांट सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल यानी जिस समय मनुष्य सभ्य नहीं था, जंगल में घूमता था, उस समय के लिखित साधन उपलब्ध नहीं है तो उस प्रकार का जो समय था उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, और हड़प्पा संस्कृति से पूर्व का काल प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल यानी लिखित साधन उपलब्ध हैं लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सकते, उनका अर्थ नहीं निकाल सकते, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति का काल है उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और जो जब मानव लिखना पढ़ना सीख गया और जिसके साक्ष्य भी उपलब्ध है उस काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। जो वर्तमान का जो समय है उसे हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इतिहास को अध्ययन की सुविधा अनुसार तीन भागों में बांट सकते हैं, और ऐतिहासिक काल की शुरुआत हम वैदिक संस्कृति से मान सकते हैं क्योंकि वैदिक संस्कृति के जो साक्ष्य हैं जैसे वेद, पुराण, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, उनको हम पढ़ सकते हैं और उनका अर्थ भी हम निकाल सकते हैं। यानी ऐतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य बन गया था और मनुष्य पढ़ना लिखना जान गया और उसके जो लिखित साधन हैं उनको हम समझ सकते हैं, इस काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। यानी साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, साहित्य, ये सभी साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो इनको भी पुनः तीन भागों में बांटा गया है,
धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावली। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों की बात करें तो इसमें आते हैं अभिलेख, स्मारक और भवन, सिक्के और मृदभांड, ये सभी आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में। देखिए, अभिलेख का मतलब होता है यानी शिलाओं पर जो प्राचीन समय में जो खोद कर लेख लिखे गए थे उनको अभिलेख कहते हैं। स्मारक, भवन जो खुदाई के दौरान प्राप्त कर हुए हैं, या और सिक्के और मृदभांड यानी खुदाई करने के दौरान जो टूटे फूटे मिट्टी के बने हुए जो मृदभांड मिलते हैं उनको, उन सभी को हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत रख सकते हैं। धार्मिक साक्ष्यों को भी साहित्यिक साक्ष्यों को 3 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावली। अब धार्मिक साहित्य है, इनको भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये तीनों धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये धर्म विषय से जुड़े हुए हैं। धर्मेतर साहित्य में ऐसे साक्ष्य आते हैं जो किसी धर्म विषय से संबंधित नहीं है, विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, ये धर्मेतर साहित्य में आते हैं। और तीसरा जो स्रोत है वंशावली, ये विभिन्न राजा महाराजाओं के समय जो लिखे गए ग्रंथ थे, वंशावली लिखी गई थी, वो इसमें आते हैं। इस प्रकार साहित्यिक साक्ष्य 3 भागों में बटे हैं, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावली। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को रखते हैं, और धर्मेतर साहित्यों में जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, जैसे विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, और तीसरा है वंशावली। इस प्रकार ये तीनों साहित्यिक साक्ष्य हैं। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, स्मारक और भवन, सिक्के और मृदभांड, इन सभी को पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे भारत के इतिहास की। तो भारत के इतिहास का इतिहास भारत के संबंध में उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में एक श्लोक मिलता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद् भारत नाम भारती यत्र संतति। यानी विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र से उत्तर में और हिमालय से दक्षिण में जो देश है उसे भारत के नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, और वहाँ के निवासी भारत की संतान कहलाते हैं। इस प्रकार का उल्लेख हमारे विष्णु पुराण में आता है। हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं ब्राह्मण साहित्यों का या धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्यों में पहला हमारा है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से आते हैं वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन सभी को ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वैदिक साहित्यों में भी सबसे महत्वपूर्ण है वेद। वेद का अर्थ होता है जानना। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। जो वेद हैं उनमें विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन है, और ऐसा माना जाता है वेद नित्य और अपुरुषेय है, यानी इनकी रचना पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। इस प्रकार माना जाता है कि वेद अपुरुषेय है। और इन वेदों को हम याद करने के लिए एक ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं। इस ट्रिक से भी हम इनको याद कर सकते हैं। ट्रिक का नाम है सारी आयु। 4 वेदों को याद करने की ट्रिक है सारी आयु, यानी हमने इन 4 वेदों का प्रथम वर्ण उठाया है, प्रथम अक्षर उठाया है, सा यानी सामवेद, री यानी ऋग्वेद, आ यानी अर्थवेद और यू यू यानी यजुर्वेद। इस प्रकार हम इस ट्रिक से भी 4 वेदों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो जानते हैं इन वेदों के बारे में। वेद 4 है, मैं बता चुका हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के साथ साथ इनके उपवेद भी है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्यवेद, ये इनके 4 वेदों के उपवेद हैं, जो भी हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इनको, ये जो 4ों के उपवेद है, इन उपवेदों को भी हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हमारी ट्रिक है गंध सी आय, गंध सी आय, ये हमारी ट्रिक है। यानी आप ये सोचें कि कहीं जा रहे हैं तो ऐसे गंध आ रही है, गंध सी आए। ग यानी गंधर्ववेद, ध यानी धनुर्वेद, सी यानी स्थापत्य वेद और आ यानी आयुर्वेद, ये 4 उपवेद हैं। अब देखिए इनको याद, ध्यान रखें, जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का उपयोग का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। इस प्रकार हम इस ट्रिक से, गंध सी आई, इस ट्रिक से हम
उपवेदों के नाम भी आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पहले वेद की, ऋग्वेद। ऋग्वेद वैदिक जो आर्य सभ्यता है उसके बारे में उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के मंत्र यानी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित मंत्र लिखे गए हैं। इसमें 10,580 मंत्र है और 1,028 सूक्त हैं यानी श्लोक हैं। इसको जो ऋग्वेद है इसको 10 मंडलों में बांटा गया है। इस जो ऋग्वेद है इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियों से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया है और ऐसा माना जाता है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इनका मान जो इतिहासकार है उनका मानना है कि ऋग्वेद की जो सूक्तियां हैं इनकी रचना पंजाब में हुई थी। उस समय आर्य अफगानिस्तान से गंगा यमुना तक के प्रदेशों तक फैले हुए थे, इस कारण इन क्षेत्रों में ही ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद में विभिन्न नदियों के नाम का उल्लेख भी पाया जाता है। उन ऋग्वेद में कुंभा यानी काबुल, सुवास्तु यानी स्वाद, कुर्रम यानी कुर्रमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल, सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती और पंजाब की पांचों नदियां तुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, परोशनी यानी रावी, अश्विनी यानी चिनाब, वितस्ता यानी जेलम, इन पांच नदियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। याद रहे पंजाब का नाम भी पांच नदियों के आधार पर ही पंजाब पड़ा, क्योंकि पंजाब का अर्थ होता है पांच नदियों की भूमि। तो इन नदियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। इन नदियों से सिंचित प्रदेश में आर्य संस्कृति, आर्य सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद की पांच शाखाएं हैं, साकल्प, वास्कल्प, अश्वालयन, शंखायन और मंडुकायन। ये इस प्रकार ऋग्वेद की पांच शाखाएं हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त यानी वैदिक काल में जो चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके साथ साथ ऋग्वेद के 3रे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यम, जो हमारा गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख भी ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। और इसके साथ साथ ऋग्वेद में चवन ऋषि को पुनः युवा करने की जो कथा है उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। इस प्रकार हमने पढ़ा अभी ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता को जानने का प्राचीन स्रोत है और ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसको 10 मंडलों में बांटा गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं हम अगले वेद की। हमारा अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद जैसा नाम से समझ में आ रहा, इसके शुरुआत के दो अक्षरों को देखें तो यजु यानी यज्ञ, यानी यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विभिन्न प्रकार की विधियां, यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। और इसका प्रयोग यज्ञ के समय अध्वर्यु नामक पुरोहित के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। दोनों स्वरूप जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, दोनों में बड़ा अंतर है। पहले में केवल मंत्रों का संग्रह है कृष्ण यजुर्वेद में, और दूसरे में छंदबद्ध मंत्रों का उल्लेख है यानी गद्यात्मक भाग में उल्लेख है। इस प्रकार इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है और दो भागों में बटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इस प्रकार यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियमों का उल्लेख है। अगला वेद है हमारा सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत। इस वेद में ऋग्वेद की विभिन्न ऋचाओं का संगीतमय उल्लेख मिलता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है और सामवेद को गंधर्व वेद भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने सामवेद के बारे में जाना। अब हम जानने वाले हैं हमारा अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी, इस कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू, यानी इस वेद में विभिन्न प्रकार की औषधियां, ज्वर, पीलिया, सर्पदंश, विभिन्न प्रकार के विष को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, चिकित्सा से संबंधित इसमें उल्लेख किया गया है। रोगो उत्पादक, कीटाणु के शमन आदि का वर्णन है। इसके साथ साथ रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया था और अथर्ववेद की रचना
अथर्वा ऋषि के की गई थी, इसलिए इसे अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में ये दूसरा हमारे पहले वेद थे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ का अगर हम संधि विच्छेद करें तो उप और नी उपसर्ग तथा सद धातु से ये उपनिषद बना है। इसका अर्थ होता है उपनिषद यानी गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक बैठना, यानी इसमें गुरु और शिष्य के पास में बैठने और एक दूसरे के संवाद से संबंधित उल्लेख उपनिषद में किया गया। और उपनिषद में मुख्य रूप से जो आध्यात्मिक चिंतन है उसके बारे में बताया गया है, यानी गुरु और शिष्य के बीच में जो आध्यात्मिक बातें हैं उनका उल्लेख उपनिषद में किया गया है। उपनिषद वैदिक संस्कृति को जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उपनिषद को हम वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख किया गया है। वैदिक साहित्य में इनका सबसे अंत में स्थान होने के कारण इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। और जो भारतीय ऋषि थे उन्होंने गंभीर चिंतन से जिन आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार किया था उनका उल्लेख उपनिषदों में किया गया है। और उपनिषद विभिन्न प्रकार के उपनिषदों के बारे में बताया गया है, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्य और श्वेताश्वर आदि उपनिषद अधिक प्रसिद्ध हैं। और मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद में हमारा भारत का प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते उसका उल्लेख भी मंडुको उपनिषद में किया गया है। इनमें से बहुत सारी उपनिषदों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद, ये अधिक सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है। उपनिषद को ध्यान वेदांत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आरण्यक की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है आरण्यक यानी अरण्य कहते हैं जंगल को, यानी ऐसे ग्रंथ जिनको जंगल में पढ़ा गया या जंगल में पढ़ा जाता था उसे हम आरण्य कहते हैं। आरण्य ग्रंथ में आध्यात्मिक महत्व से संबंधित विषयों की जानकारी मिलती है और ये सब मुख्य रूप से अरण्य यानी वन से संबंधित हैं, इसलिए इनको आरण्य के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं वेदांग की। समय के साथ साथ वेदों को समझना कठिन होता गया, समय बीतने के बाद वैदिक साहित्य और जटिल होता गया, कठिन होने लगा। इस कारण वेदों को समझने में कठिनाई आने लगी। इस कारण वेदों को सरल रूप से समझाने के लिए वेदांग की रचना हुई। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा वेदांग यानी वेदों के अंग, वेदों के अर्थ को समझने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। जिस प्रकार हम इंग्लिश में अंग्रेजी में समझने के लिए ग्रामर का प्रयोग करते हैं या डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार वेदों को समझने के लिए वेदांग महत्वपूर्ण थे, यानी वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांग छह है, शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ये सभी छह वेदांग है जो वेदों को समझने के लिए महत्वपूर्ण। इनके बिना हम वेदों को जानने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इन वेदांगों को भी समझने के लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिक है निसी कब जाय छे, यानी एक लड़की है जिसका नाम निसी, उसकी छुट्टियां खत्म हो गई, उसको पढ़ने के लिए जाना है, तो उसके माता पिता बातें करते हैं, कहते हैं निसी कब जाय छे, नी यानी निरुक्त, सी यानी शिक्षा, के यानी कल्प, वे यानी व्याकरण, जा यानी ज्योतिष और छे यानी छंद। इस प्रकार ये वेदांग छह है जो हमें वेदों को समझ सहायता करते हैं। अब बात करते हैं वेदांग के, जो वेदांग है ये छह है, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। पहले जो चार वेदांग है इनमें मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और उसका अर्थ समझने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तथा अंतिम दो वेदांग है उनमें धार्मिक कर्मकांड और यज्ञों का समय जानने के लिए आवश्यक बातें लिखी गई है। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है, ज्योतिष को नेत्र कहा जाता है, निरुक्त को स्रोत, कल्प को हाथ, शिक्षा को नासिका और छंद को दोनों पैर माना जाता है, यानी व्याकरण को मुख वेद का मुख माना जाता है, ज्योतिष को वेद का नेत्र माना जाता है, निरुक्त को यानी ज्योतिषी क्या करते हैं अगले भविष्य की बातें बता देते हैं यानी उनको नेत्र माना जाता है, निरुक्त को स्रोत माना जाता है, कल्प को हाथ माना जाता है वेदों का, और शिक्षा को वेदों की नासिका माना जाता है, छंद को वेदों के दोनों पैर माने जाते हैं। इस प्रकार ये छह वेदांग। अब बात करते हैं
हमारे वैदिक साहित्य में ही महत्वपूर्ण है। पुराणों की पुराण भी हमारे भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। पुराणों की रचना मुख्य रूप से संस्कृत में की गई थी, किंतु कुछ पुराण ऐसे हैं जिनको क्षेत्रीय भाषा में भी रचा गया है, और ये पुराण हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों में इनका उल्लेख मिलता है। पुराणों में मुख्य रूप से धर्म से संबंधित आख्यान ग्रंथ है, जिनमें सृष्टि लय प्राचीन ऋषियों मुनियों और राजाओं के बारे में विभिन्न प्रकार के वृत्तांत मिलते हैं। पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराण 18 है। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण भी दिया गया है, और पुराणों की संख्या कुल 18 पुराण है, 4 वेद और 18 पुराण है। इनमें मुख्य रूप से सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित इस प्रकार के 5 इनमें मुख्य बातें मिलती है। अगर 18 पुराणों की बात करें तो विभिन्न प्रकार के पुराण हैं, जिनमें से मुख्य रूप से प्रसिद्ध पुराण और महत्वपूर्ण पुराण पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, ये गुरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। अब तक हमने जाना साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में हमने जाना ब्राह्मण साहित्य के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य, जैसा कि आप सबको पता है, बुद्ध महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो हमारे इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। बौद्ध साहित्यों में महत्वपूर्ण है त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रि का अर्थ होता है तीन, यानी जो त्रिपिटक है वो तीन है। त्रि का अर्थ है तीन, और पिटक का अर्थ है पिटारा या टोकरी, यानी तीन पिटारे, यानी त्रिपिटक की संख्या तीन है। उनके नाम है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसलिए इनकी संख्या तीन होने के कारण इन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक की रचना की बात करें तो इनकी रचना गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद त्रिपिटक की रचना की गई थी। और ये तीनों ही पिटकों में अलग अलग विषय है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए हैं। सूत पिटक यानी बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के उपदेश। विनय पिटक यानी नियम, बौद्ध धर्म के जो नियम है उनका उल्लेख विनय पिटक में दिया गया है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं नए, विनय, नियम। नए और नियम शब्द आपस में मिलता जुलता है, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं विनय में बुद्ध के नियमों का उल्लेख है बौद्ध धर्म के। और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है। इस प्रकार त्रिपिटक साहित्य से भी हमें इतिहास, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के बारे में विशेष रूप से जानकारी। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ही महत्वपूर्ण है, त्रिपिटक के बाद महत्वपूर्ण है जातक ग्रंथ। जातक मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं का उल्लेख जातक ग्रंथों में किया गया है, और ये बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन मानी जाती है जातक ग्रंथ। अगर इनकी संख्या की बात करें तो जातकों की संख्या है 500 × 50, और इनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। काल्पनिक होने के साथ भी ये अपने समय के और अपने समय में समाज का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिसके कारण ये हमारे इतिहास विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी बौद्ध साहित्य में हमने जाना त्रिपिटक, और त्रिपिटक के बाद हमने जाना जातक ग्रंथ। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथ मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखे गए, और पाली के साथ साथ कुछ संस्कृत में भी लिखे गए, लेकिन ज्यादातर जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा के जो ग्रंथ है महावंश और द्वीपवंश, और दूसरा है मिलिंदपन्हो, ये पाली भाषा में लिखे गए प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। दूसरे ग्रंथ है संस्कृत भाषा में लिखे गए थे बौद्ध धर्म के, जिनमें नाम है बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान, मंजूश्री मूलकल्प, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार और वैपुल्य सूत्र। ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखे गए। मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ, ध्यान रहे, मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, और अन्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। इस प्रकार बौद्ध साहित्य है पाली और संस्कृत दोनों ही भाषा में लिखा गया। इसके अलावा हम जानते हैं द्वीपवंश और महावंश, ये जो ग्रंथ है ये मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखे गए, और इनमें मुख्य रूप से श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, यानी ये श्रीलंका से संबंधित हैं।
दूसरा ग्रंथ है हमारा महत्वपूर्ण मिलिंद पन्हो, ये हमारे परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मिलिंद, देखिए मिलिंद कहते हैं, देखिए मिलिंद यूनानी शासक मेनेंडर का ही नाम है, जिसको मेनेंडर को ही मिलिंद के नाम से जाना जाता है। यानी मिलिंद पन्हो ग्रंथ में भारत पर शासन करने वाले हिंद यूनानी शासक मेनेंडर और उसके बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन है। यानी मिलिंद पन्हो यानी यूनानी शासक मिलिंद यानी मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुआ था उसका वर्णन मिलिंद पन्हो में किया गया था। और जो मिलिंद पन्हो है वो पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा संस्कृत के भी कुछ बौद्ध ग्रंथ महत्वपूर्ण है। बुद्ध चरित्र, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र लिखने वाले थे महाकवि अश्वघोष, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, इन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भी क्या है, बुद्ध चरितम। दूसरा ग्रंथ है दिव्य अवदान। दिव्य अवदान यह सम्राट मौर्य सम्राट अशोक और उसके पुत्र कुणाल से संबंधित है। एक तरह से दिव्य अवदान जो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों की बात करें तो मंजूश्री मूलकल्प, ये मुख्य रूप से गुप्त सम्राटों के बारे में जानकारी मिलती है इससे। अंगूतर निकाय यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इससे हमें प्राचीन समय के जो 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख अंगूतर निकाय से प्राप्त होता है। यानी अंगूतर निकाय हमारे लिए परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यानी किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो ग्रंथ है अंगूतर निकाय। इसके अलावा भी बौद्ध साहित्य में और सारे ग्रंथ है, ललित विस्तार और वेपुल्य सूत्र, इनका भी विशेष महत्व बौद्ध धर्म में है। ये मुख्य पढ़ा बौद्ध साहित्यों के बारे में पढ़ा। इसमें और ग्रंथों की बात करें तो एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है विशुद्ध मग, यानी यह मुख्य रूप से बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है। विशुद्ध मग को बौद्ध दर्शन का ज्ञान कोश भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, विशुद्ध मग को बौद्ध दर्शन का ज्ञान कोश भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने बौद्ध साहित्य के बारे में जाना, यानी हमने साहित्य के स्रोत पढ़े, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, और साहित्यिक साक्ष्य में हमने पढ़ा धार्मिक साक्ष्य, धार्मिक साक्ष्य के अंतर्गत हमने पढ़े वैदिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य, जिसमें हमने वेद पुराण उपनिषद आरण्यक के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में हमने पढ़ा त्रिपिटक, जातक ग्रंथ, पाली भाषा के ग्रंथ और संस्कृत भाषा के ग्रंथ हमने पढ़े, जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हमारे अगले है जैन साहित्य, यानी जैन धर्म। महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म चलाया गया था, जैन धर्म की विशेष जानकारी हमें जैन साहित्य से मिलती है। जैन साहित्य अत्यंत विशाल है और ये जैन साहित्य अधिकतर अपभ्रंश प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में मुख्य रूप से मिलता है। जो जैन साहित्य है उसे आगम कहा जाता है, आगम जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यानी आगम में 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र शामिल किए गए हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस धर्म से संबंधित साहित्य को आगम कहा जाता है, तो जैन धर्म से संबंधित साहित्यों को आगम कहते हैं। जैन साहित्य की बात करें तो परिशिष्ट पर्वन, आवश्यक चूर्णी, कालिका पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, पुरुष चरित, समरीच कथा, ये आदि मुख्य रूप से प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसके साथ साथ भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, यानी याद रहे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको भद्रबाहु द्वारा ही जैन धर्म की दीक्षा दी गई थी, और वो जो भद्रबाहु थे उनके द्वारा कल्पसूत्र नामक ग्रंथ लिखा गया। यानी कल्पसूत्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, भद्रबाहु के द्वारा। इसी प्रकार अनेकांत विजय ग्रंथ हरिभद्र सूरि के द्वारा लिखा गया। इस जैन साहित्य में और भी ग्रंथ है, उनके बारे में बात करते हैं। आचारांग सूत्र, यानी जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में मिलता है। यानी आचार, यानी इसमें ये नाम से समझ में आ रहा आचार्य, आचारांग सूत्र यानी आचार्यों द्वारा जो नियम माने जाते थे, नियमों का पालन किया जाता था, उनका उल्लेख जैन धर्म के आचारांग सूत्र नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके साथ हमारे इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण
ग्रंथ अगला है भगवती सूत्र, यानी इसमें भगवान महावीर के जीवन और उनके कार्यों का उल्लेख भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में किया गया। इसमें भगवती सूत नामक ग्रंथ में महावीर स्वामी और उनके शिष्य इंदुभूति के मध्य जो वार्तालाप हुआ उसका उल्लेख भी भगवती सूत में मिलता है। इसके साथ साथ भगवती सूत में 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। ये हमारे परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो ग्रंथ बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत, ये दोनों ग्रंथ है जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हमने मुख्य रूप से जाना वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्यों के साथ साथ हमने जाना बौद्ध साहित्य, और बौद्ध साहित्य के साथ हमने जैन साहित्य के बारे में भी जाना। इसके साथ साथ हमारे कुछ और ग्रंथ महत्वपूर्ण रह गए हैं, उनके बारे में भी हम जान लें। नया धम्म कहा, ये ग्रंथ भी जैन धर्म से संबंधित है। इसमें महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, विभिन्न कथाएं पहेलियों के माध्यम से महावीर का शिक्षाओं का वर्णन किया गया। ग्रंथ का नाम है नया धम्म कहा, यानी महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया, इस प्रकार कहा गया, जो कथाएं और पहेलियों के माध्यम से महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया, नया धम्म कहा ग्रंथ में। अगला ग्रंथ है उपासक दशाओ, यानी इस ग्रंथ में जैन उपासकों के विभिन्न प्रकार की विधियां आचार विचार नियमों का संग्रह किया गया। इसमें तपस्या के बल पर स्वर्ग प्राप्त करने वाले व्यापारियों का उल्लेख भी उपासक दशाओ ग्रंथ में किया गया। इस प्रकार जैन साहित्य जैन धर्म को जैन साहित्यों को जानने के जैन साहित्य इतिहास जानने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो कक्षा 12 के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।